टेलीविज़न के सबसे चर्चित शो बिग बॉस में आए दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है जो दर्शकों को अपने आप से बांधे रखता है। ऐसे में बिग बॉस कंटेस्टेंट भी अपने गेम से दर्शकों को अनोखे अंदाज से इम्प्रेस करते रहते हैं। बिग बॉस 12 के मास्टरमाइंड रोहित चौधरी शो में बड़े दिमाग से आगे बढ़ रहे हैं। घर में वह स्ट्रेटजी बनाकर अनोखे तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। रोमिल ने घर में अपने लिए एक ग्रुप भी बना लिया है जिसका नाम उन्होंने हैप्पी क्लब रखा है। रोमिल के इस हैप्पी क्लब में सुरभि, दीपक, सोमी और रोहित शामिल हैं। वॉशरूम में हुई पूरी घटना। रोमिल ने अपने हैप्पी क्लब को बचाने के चक्कर में जसलीन पर ऐसे कमेंट कर दिए कि जिसे सुनकर हर कोई चौंक सकता है। दरअसल टास्क के दौरान वह अनजाने में जसलीन के चेहरे पर कमेंट कर जाते हैं जिसके बाद जसलीन उन पर काफ़ी गुस्सा भी करती हैं। रोमिल जसलीन से मजाक में कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा चपटा है। इसे सुनते ही जसलीन उनसे नाराज हो जाती हैं। वह कहती हैं कि तुम मेरे चेहरे पर ऐसे कमेंट कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारे इस मजाक पर तुमको जेल भेजूंगी। बता दें कि यह सारी घटना वॉशरूम एरिया की है। मीडिया वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। रोमिल जसलीन की बात को गंभीर रूप से नहीं लेते हैं। वहीं सभी घर वालों को जब इस बात का पता चलता है तो वह रोमिल को चिढ़ाने लगते हैं। सभी उनको वकील बाबू कहकर छेड़ने लगते हैं। वहीं मेघा रोमिल को डराते हुए कहती हैं कि आपने जसलीन को यह बात कही है, इसके बाद मीडिया जब आप घर से बाहर होंगे आपके पीछे पड़ जाएगी। वहीं जसलीन भी घर वालों की बातों में बातें मिलाना शुरू कर देती हैं। वह रोमिल से कहती हैं कि तुमको पता है कि चपटा मतलब क्या होता है। वह आगे कहती हैं कि चपटा मतलब कपटी होता है। वहीं रोमिल जसलीन की बात सुनकर थोड़े से गंभीर हो जाते हैं। इस दौरान सभी घर वाले एक नए अंदाज में नजर भी आते हैं। न्यूज टाइम्स के लिए रजनीश वर्मा की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।